अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाक्या सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाक्य है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी, और बकरी ने अपने बच्चों को यह हिदायत दी थी कि बेटा, यह जो गार है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को खाना तलाश करने में देरी हो गई, तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, क्योंकि वो भूखा भी था, ललचाई नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे, उनकी हड्डियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। यह देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बरगाह में अर्ज करने लगी कि हे अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए, एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन उस शेर ने यह बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला ने अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ये बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मेरे तो बच्चे भी नहीं है, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलते जा रही थी कि अचानक उसको किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, शेर का बच्चा है और एक शेर ने ही मेरे दो बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होना चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो होगा। बस यह ख्याल दिल में आया था और उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई यह बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहाँ से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर न जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। दो तीन दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे उस बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप ना जाने कहाँ है, ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनाचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी माँ बन गई थी, और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह से उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था, यह बकरी मेरी माँ है
और माँ समझकर उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है। लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान हो गया तो इसे यह बात मालूम हो गई है कि मैं बकरी हूँ और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है, तो क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। अल्लाह पाक से यह दुआ करती है, या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था, या अल्लाह तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। उस शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था, वह बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो दो मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर लूंगा। शेर की जबान से यह बात सुनकर बकरी उसे बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार बकरी घास चर रही थी, उसके बच्चे भी आसपास खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते हो। वह शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। और जिस शेर को बकरी ने पाला था, वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, यह मेरी माँ बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँ या तुम्हें खाने दूँ? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ का कोई भी जंगली जानवर हमारा घर नहीं उजाड़ सकता है। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था, वह घुर्राने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू यहाँ इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा, तू इस बकरी का जिसे मैं माँ समझता हूँ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज यह सच में मेरा बेटा बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ। खुदा हाफिज।